रेडियो जन जन की दिल की धड़कन बनके आज हमारे देश में फैला हुआ है. बट व्हेन एग्जैक्टली दिस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल थिंग केम टू इंडिया. दोस्तों, केविन लोपेज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आप सभी को. पर्सनल ट्यूटर के इस चैनल से आज आपको मास कम्युनिकेशन में जो टॉपिक डिस्कस करके समझाने वाला हूं, दैट इज हिस्ट्री ऑफ रेडियो इन इंडिया. अब इंडियन रेडियो इंडस्ट्री के बारे में सुनने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं. रेडियो का एडवेंट होता है वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू. मार्कोनी ने 1896 में, लगभग आज से 125 साल पहले, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत करी थी वायरलेस टेलीग्राफ ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू. ये हम सभी जानते हैं. इसके बाद लगभग 10 साल तक ये सिर्फ एक प्रदर्शन रहा. पीपल वर शोन, दे वर लाइक flabbergasted, amazed, they would give a wow experience and then go. But not many people knew that in the other parts of the world also these type of broadcasts were being planned out. The technology was now being researched. It was almost 10-12 years later, Paris mein Eiffel Tower se bhi ek broadcast hua. Logon ne usse bhi dekha. और फिर ये पूरे यूरोप में फैलने लगा, एक ट्रेंड फैलने लगा, दैट पीपल वुड बी गोइंग अहेड एंड शोइंग देयर ऑल मशीनरी एंड ऑल फॉर ब्रॉडकास्ट, एंड जो भी चीज़ें हो रही है उसके लिए लोग उसको वाओ करते हैं एंड ग्रेट. इट वॉज इन 1916, अगेन 5 से 8 साल बाद, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में परहैप्स पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ जो कि न्यूज बुलेटिन था. और ये उस वक्त इसलिए हुआ था बिकॉज इट वॉज द सेरेमनी ऑफ द इलेक्शन ऑफ US प्रेसिडेंट. तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और उनका इनॉग्रेशन हुआ वहां पर. इस कैंपेन के थ्रू रेडियो न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हुई. इट वॉज लिमिटेड टू सर्टन टाइम पीरियड एंड इट वॉज प्योरली बेस्ड ऑन इंफॉर्मेटिव बेसिस एंड न्यूज. इंडिया की अब बात करें तो इंडिया में ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग और रेडियो टेक्निक आने का ट्रेंड शुरू होता है 1923-24 में. 1920s में लगभग इंडिया में ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज लॉन्च होने लग गई थी. एक प्राइवेट वेंचर कुछ लोगों का, एक प्राइवेट कंपनी के हिसाब से कुछ लोगों ने कुछ रेडियो स्टेशंस लॉन्च करे थे बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, तब जो अब मुंबई, कोलकाता और चेन्नई बन गए हैं. अब इन वेंचर्स में एक खास चीज़ देखी गई थी कि ये लोग रेडियो ब्रॉडकास्ट करते थे, दैट वाज लिमिटेड टू 2 or 3 आवर्स एंड प्योरली म्यूजिक या कुछ टॉक्स बिटवीन सम इंटेलेक्चुअल पीपल चलती रहती थी, क्योंकि म्यूजिक वॉज अ पार्ट, इंटीग्रल पार्ट. But it was limited to the elites itself, my friends. Because at that time, you cannot imagine, the radio used to be a huge box and heavy thing to cater around. And लोगों के पास ऐसा एक box होना यार, जिससे आवाजें आती है और दूर बैठे, हजारों मीलों दूर बैठे हुए लोगों की आवाजें आ रही है, तो ये चीज शुरू हो गई थी दिखाना, देखना, समझना. तो ये एक क्लास वाला एक फीलिंग देता था. तो इट वॉज लिमिटेड एंड इट वॉज अ कॉस्टली अफेयर एज वेल, सो इट वॉज लिमिटेड टू द एलीट्स ओनली. अब ये रेडियो स्टेशंस 1927 में फाइनेंशियल डाउन ट्रॉटेडनेस के कारण, क्योंकि फाइनेंस प्राइवेट कंपनीज अगर इतने बड़े लेवल पे बात करें तो दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ फाइनेंस. उस वक्त कमर्शलाइजेशन वगैरह नहीं था, जैसे आज हम हमारी गाड़ी में बैठते हैं, म्यूजिक ऑन करते हैं, रेडियो चैनल्स चलाते हैं, वी जस्ट गो अहेड एंड स्विच ऑन एंड वी लिसन अ लॉट ऑफ कमर्शियल्स एज वेल. उस वक्त ये ट्रेंड नहीं आया था, ये कमर्शलाइजेशन का ट्रेंड आया नहीं था दोस्तों. लोगों ने सोचा भी नहीं था कि रेडियो एक ऐसा माध्यम बनेगा जिसके थ्रू हम सेल्स ग्रो कर सकते हैं. वो तो बाद में जब कम्युनिकेशन की टेक्निक्स और स्टडीज और रिसर्चेस की गई तब बाद में समझ में आया है कि मेजॉरिटी एडवर्टाइजर्स ही बचते रहते हैं.
फाइनेंशियल गड़बड़ियों के कारण 1927 में ये कंपनीज बंद हो गई। फिर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने 1927 में ही एक और प्राइवेट कंपनी थी, दैट इज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इसको टेक ओवर करा। हालांकि बहुत अप्रोर हुआ था बट इट वॉज गवर्नमेंट, तो उसको टेक ओवर कर लिया था एंड उसको रीनेम करा IBS, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से उसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बना दिया गया। यही कंपनी ज्ञात रहे 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के नाम से रीनेम की गई एंड इसका हेडक्वार्टर अब बनाया गया दिल्ली में। कहते हैं ये वो पीरियड था जब एक ऑफिशियल नेशनल रेडियो चैनल लोगों ने पहली बार समझा। 1939 में शॉर्टवेव की मदद से ये रेडियो सर्विस काफ़ी बूम हुई, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड वॉर के शुरुआती दौर चल रहे थे, वर्ल्ड वॉर टू के शुरुआती दौर चल रहे हैं, लोगों के अंदर एक भय का वातावरण था, दे नीडेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑल्सो एंड एवरीथिंग नीडेड टू बी क्लैरिफाइड, तो इस कारण से ये पीरियड एक बूम आता है। आज़ादी के बाद 1947 में हमारे इंडिया में रेडियो स्टेशन की अगर हम बात करें, ऑल इंडिया रेडियो 6 स्टेशंस पे लिमिटेड था, दैट वॉज दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ एंड तिरुचनापल्ली। इन 6 स्टेशन से 18 ट्रांसमीटर्स थे, 6 ट्रांसमीटर्स शॉर्टवेव के थे, बाकी मीडियम वेव के थे। ये वेव्स एंड ऑल का मैं आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लेटर, बिकॉज अभी तो FM चलता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वगैरह अभी सब आ गए हैं, बट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि ये उस वक्त एक बहुत बड़ी फीट थी, एक बहुत बड़ा कदम था हमारे लिए कि हमने इतने स्टेशंस लॉन्च कर दिए थे और आसपास के सारे एरियाज हम लोग केटर करते थे। और ऑल इंडिया रेडियो फिर एक यू नो कह सकते हैं एक टिपिकल ट्यून के साथ में शुरू होता है, दे एक्चुअली गो अहेड एंड लॉन्च अप अ स्पेसिफिक ट्यून, जो आज भी मेरे मन में कहीं घूम रही है फ्रेंड्स, बिकॉज आई हैड गॉन अहेड एंड हर्ड इट ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड वेन आर पेरेंट्स यूज टू यू नो लाइक जस्ट प्ले इट आउट एंड लिसन टू दैम, इट स्टिल क्रिएट्स अ नॉस्टैल्जिया। आज अगर हम देखें तो इंडियन रेडियो की पहुँच हर जगह है, आप एक छोटे से गैजेट तक में रेडियो रिसेप्शन रिसीव कर सकते हैं, आपके सेल फोन्स में हैं, आप गाड़ियों में घूमते हैं, आप कहीं भी ऑलमोस्ट जाते हैं, ये आपकी लाइफ का एक पार्ट बन गया है। टुडे वी हैव ऑल इंडिया रेडियो की अगर बात करें तो 200 से ज़्यादा स्टेशंस इनके पूरे इंडिया में सेटअप हैं, साथ में 100+ लोकल स्टेशंस भी अब उठ के आ गए हैं। लोकल स्टेशंस मतलब हम प्राइवेट चैनल्स की बात कर रहे हैं, इनके कुछ लोकल स्टेशन है ब्रॉडकास्टिंग के, जो फ्रीक्वेंसी ये लोग बेसिकली लीज पे ले सकते हैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्राई के थ्रू, स्पेक्ट्रम ये लोग बोरो करते हैं एंड देन दे गो अहेड एंड शेयर इट आउट। सम ऑफ फेमस रेडियो स्टेशन आर लाइक रेडियो मिर्ची, माई FM, रेड FM एंड बिग FM एंड ऑल, ये सारी अब इंडस्ट्रीज, ये सारी कंपनीज अब सक्सेसफुली एक पार्ट बन गई है इंडियन रेडियो इंडस्ट्री, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यू नो कंपनीज का। सो माइंड इट माय फ्रेंड्स, दिस टॉपिक वाज अबाउट बेसिकली द ब्रॉडकास्टिंग थिंग इन इंडिया। इफ यू वांट टू गो अहेड एंड अंडरस्टैंड अबाउट द रेडियो इंडस्ट्री इन इंडिया, दैट वुड बी अ सेपरेट टॉपिक, प्लीज आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करिए, यू विल बी गेटिंग ऑल द लिस्ट देयर। सो आई होप नाउ द टॉपिक इज क्लियर, स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल बी गोइंग अहेड एंड गेटिंग बैक टू यू। आई'ड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हम लोगों ने सक्सेसफुली ऑनलाइन बैचेस भी शुरू कर दी है, इफ यू वांट टू गो अहेड एंड जॉइन अस इन दीज वेंचर्स, प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करिए। बाय बाय।